मिनी लैपी है ना, बहुत अच्छी इंसान है, इसलिए मैं उनकी जो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ हैरियत से होंगे। कल मैंने आपके साथ एक ट्यूटोरियल शेयर किया था बकेट का, तो ये वो बकेट थी जिसका ट्यूटोरियल मैंने आपके साथ शेयर किया था। ये देखे, कल मैंने आपको बताया था, मैंने काफ़ी कमेंट्स आपके जो है ना, मैंने आप लोगों ने मैंने पढ़े हैं, और आप लोगों ने कहा था, एक मिनट उठा था, तो आप लोगों ने कहा था कि अगर आप इसको नीचे की साइड से निकालती तो ये इजीली निकल आती, लेकिन ये नहीं निकलनी नीचे की साइड से, इसने बिल्कुल नहीं निकलना था, क्योंकि ये देखें आप, ये अंदर की तरफ एक लाइन है, ये इसके, मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ, ये अंदर की तरफ, ये देखें ना, यहाँ पे एक लाइन है, अगर मैं इसको नीचे की साइड से निकालती ना, तो यहाँ पर इसने ना, यानी कि आके इसने फंस जाना था, और ये बार ने जो केक था चंक्स बनाने बनाने के लिए, वो नहीं निकलना था। इसीलिए जो इसका सही, एक सही यानी कि इसको निकालने का, बाहर निकालने का तरीका है, वो ऊपर से है, क्योंकि ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ यहाँ से आके, वो चीज़ नीचे की साइड से अगर मैं निकालूँ ना, तो वो फंस जाएगी। और मैंने ये आप लोगों के साथ ट्यूटोरियल इसलिए शेयर कर किया था, क्योंकि देखिए कई दफ़ा हमारा शेप्स बनाने को बिल्कुल दिल नहीं कर रहा होता, हमारा बिल्कुल भी मूड नहीं होता, इतने थक जाते हैं हम के शेप्स बनाने का मूड नहीं होता, और फिर टाइम भी शॉर्ट होता है, तो फिर दिल करता है जल्दी जल्दी से टाप उल्टाओ और चंक्स बना के रख दो। तो इस वजह से मैंने ये आइडिया निकाला था कल कि टाप उल्टाने से बेहतर है टाप वेस्ट करना, और फिर थकावट एनर्जी लैदा, फिर अगर इतना भारी टप उल्टाया ना जा सके तो फिर, इसलिए मैंने ये आप लोगों के साथ शेयर किया था कि अगर आप इसको नीचे से काट लेते हो। और कल मैंने एक चीज़ नहीं की थी जिसका थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा था, आज मैं आपके सामने दोबारा से ये निकाल के आपको दिखाऊंगी, और फिर आप देखना कि मैं कितनी जल्दी से इसको बाहर निकालूंगी। तो तब तक के लिए मैं ज़रा ये मिक्सिंग कर लूँ, रेड डट जो मैंने अभी भी वीडियो रिकॉर्ड की है, तो उसकी ये बहुत डस्टी वीडियो थी, तो मैं तब तक इसको ज़रा गीला कर लूँ अच्छी तरह से, इसका पेस्ट टाइप बना लूँ, क्योंकि इसमें से वही शेप बाहर आएगी जो ज़्यादा पेस्ट वाली होगी, ड्राई वाला जो ना, कम वेट यानी कि इतना कम पानी मिला हो टेक्सचर के अंदर, वो जो जस्ट शेप जो ऐसे नॉर्मली हम निकालते हैं वो नहीं निकलेगी, तो ज़्यादा पानी डालना पड़ेगा। तो मैं इसको आपको मिक्स करने के बाद मिलती हूँ। ये देखें जी, मैंने इसमें पानी डाला और इसका पेस्ट भी करूँगी, पेस प्ले भी कर लेते हैं, वो भी मज़ा आ जाएगा और मिक्स भी साथ साथ हो जाएगा। और हाँ जी, थैंक यू सो मच, मेरे 600 माशाल्लाह से हो गए हैं, अब 400 जो रह गए वो भी कंप्लीट करवा दें, मगरिब के जाने स्टार्ट हो गई हैं, तो मैं फटाफट इसको मिक्स कर लेती हूँ, तरीके भी जल्दी जल्दी करवाएं, वो तरीका है 400 बचा है ना वो। और ये देखिए, मैं इसका अच्छी से पेस्ट बनाऊँगी, आप लोगों की उन एस्मारिस्ट की आसानी के लिए मैंने ये शेप बनाई है कि जो टप उल्टाती हैं और जो बेचारियों के टप भी टूट जाते हैं, इसलिए मैंने ये तरीका आजमाया, क्योंकि मैं खुद भी इसमें कंफर्ट जो है ना, मुझे अच्छा लगेगा मुझे, अच्छा लगेगा क्या, अच्छा लगेगा, इसमें एनर्जी कम वेस्ट होगी। ये देखें ऐसे वाला, नीचे काफ़ी रेड डट गिरी है, मैं उठाती हूँ क्योंकि रेड डट को वेस्ट नहीं करना मैंने। तो चले अब मैं ऊपर आपको डाल के दिखाती हूँ, मैंने पेस्ट बना लिया। तो ये देखें जी, यहाँ पे मैं बनाऊंगी हांडी, यहाँ मैंने डाला सब कुछ देचके के अंदर। तो ये देखें जी, मैंने यहाँ सेटअप सारा कर लिया है। अरे बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है ऊंचाई पर शेप्स निकालना, दिखाती हूँ, मैंने इससे दोबारा सा ट्यूटोरियल बना रही हूँ कि आप कह रहे होंगे बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है, मुश्किल नहीं है, ऊपर निकाल रहे हो, अगर आप नीचे निकालोगे बहुत ईजी होगा। तो चले डालते, ये देखें अब मैंने यहाँ निकाल लेना, अब मैं इसको इधर अच्छी तरह से फील करती जाती हूँ, अल्लाह है रखे। ये देखें, मिनी लैबी, आप लोगों का क्वेश्चन होता है कि मिनी लैबी मेरी क्या लगती है, आप मिनी लैबी को बहुत ज़्यादा यानी कि मिनी लैबी का नाम लेती हैं आप, तो मैं आपको, और मेरा लड्डू नीचे गिर के टूट गया इसी चक्कर में, फटे हाथ। तो मिनी लैपी जो है ना, बहुत अच्छी इंसान है, इसलिए मैं उनकी जो है ना, जो है उनका बहुत ज़्यादा उनका नाम लेती हूँ, क्योंकि वो एक ऐसी लड़की है यूट्यूब के ऊपर एक ऐसी लड़की है
जो बहुत ज़्यादा दिल से सपोर्ट करती हैं, दिल से सपोर्ट करने वाली वो लड़की हैं, इसलिए मैं उनका नाम लेती हूँ। और अच्छे लोगों की पहचान मुझे बहुत जल्द हो जाती है, बुरे और अच्छे लोगों की पहचान मैं बहुत जल्दी परख लेती हूँ मैं। तो इसीलिए मैं मिनी लैबी को ज़्यादा उनका नाम लेती हूँ, क्योंकि वो बहुत अच्छी लड़की हैं। तो मिनी लैबी अगर सुन रही हो तो मिनी लैबी बता दें, मिनी लैबी भी अपनी वीडियो में बताएं, क्योंकि अक्सर जो लोग होते हैं ना वो पूछते हैं कि आप, पिछले भी जो अभी सब्सक्राइबर मुझसे पूछ रहे थे कि मिनी लैबी आपकी क्या लगती हैं, तो मैंने आज क्लियर कर दिया। हाय तो ये देखें कि यूनिक स्मार्ट थक गई। हाँ जी, ये देखिए गाइस, यू कैन सी, यू कैन वॉचिंग, यू कैन एंजॉयिंग। कुछ लोग कहते हैं मैं तो आपकी समझ नहीं आती, मैं क्या करूँ, मुझे, मैं जो मेरी लैंग्वेज है मैं वो ही बोलूँगी ना। तो 80 होने की करिए, साड़ी होने जबान ही उर्दू वे, सानू आंदी उर्दू वे, तो अस्सी की करिए। और टाप के साथ निकाल रही हूँ, बड़ा ही टापा होता है ये देखिए। बस मैं आपको एक ही शेप निकाल के दिखाऊंगी, हाय बाद में मैं आराम से इसको फन्ने, इसको वो पासे ला दूंगी। तो थोड़ा सा और डालते हैं, थोड़ा सा और पाते हैं इसके अंदर पानी। अच्छा मैं नीचे टापों में बना रही हूँ ना, तो इसीलिए जो है ना थोड़ा सा आप लोगों को नजर नहीं आ रहा। मैंने सोचा मैं रेड डर्ट के जो है ना चंक्स बनाती हूँ, खलारा पाड़ा है ना, देखे रेड डर्ट के, मैंने कहा चंक्स बनाते हैं, इनिया शेप बना देती हैं, हम थोड़े चंक्स ही बनाते हैं अच्छी तरह से। सांस अड़ गई क्योंकि ऊपर से नीचे ना ना बार बार खाना। कोई नहीं, मैं बाद में इसका खलारा उठा दूंगी सारा, बड़ा पानी वाला हो गया। रेड डर्ट इज माई फेवरेट हजाना, क्योंकि ना तो मैं इसे भट्टे से लेके आई हूँ, ना मैंने इसको कहीं से मंगवाया है, ये मैंने बच्चों से इट्टा मंगा मंगा के तोड़ तोड़ के टेक्सचर मंगाए बनाया है। और अब मैं निकालने लगी हूँ इसको। अच्छा ये आपने करना क्या है, फर्स्ट प्रोसेस जो है ना आपको मैं बताऊँ, ये देखें, ये जो चीज़ होती है ना, ये चीज़ इसको हमने हल्का सा टैप कर देना है, ये मैंने कल नहीं किया था, ठीक है। ओए होए। अब ये देखें, आप कहेंगे यूनिक स्मार्ट कोई, आप मुझे बताएं मैं ऊपर से उल्टाऊंगी नीचे से उल्टाऊंगी, नीचे से उठाना मुश्किल है, ऊपर से आसानी से खींच लेना वो ज़्यादा आसान काम है, और ये आसान काम है। एंड यू कैन सी लवली केक। तो ये था मेरा आज का ट्यूटोरियल, कोई आज मेरी एफर्ट नहीं लगी, कल एफर्ट इसलिए ज़्यादा लगी थी जब मैं इसको काट के आई थी ना, तो यहाँ पे प्लास्टिक लगा था जिसने रुकावट डाली थी, वरना ये मैंने आज सारा रिमूव कर लिया, तो इसलिए आज देखें ईजिली ये निकल आया। तो ये है जी मेरा, अब क्या होगा, अब ये ड्राई होगा और मैं इसको इंशाल्लाह ताला कट करके छुरी से काट कूट के इसके चंक्स बना लूँगी। तो आप लोगों को दोबारा से समझाने के लिए कि ये मुश्किल नहीं है, ये इजी है, जो चंक्स बनाना पसंद करती हैं, जो शेप्स को कम और चंक्स को ज़्यादा पसंद करती हैं, उनके लिए मैंने ये बेस्ट वे निकाला है। सो आज की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और जो 300 रह गया है, 300 नहीं 400 रह गया है, उसको भी जल्दी से कम्प्लीट करवाएं। तो यूनिक स्मार्ट चलती है, मिलूंगी क्रमलिंग वीडियो में।